कहते हैं एक समय में नंदी जी की प्रदक्षिणा की जाती थी, परिक्रमा की जाती थी, लेकिन देखिए अगर मैं ये प्रयास भी करूं तो मैं जाऊं कहां से। यहां पर बिल्कुल पिलर के साथ अब मूर्ति लग गई है, यहां से संभव नहीं है। अगर दूसरे हिस्से से भी ये प्रयास किया जाए कि क्या नंदी जी तक जाया जा सकता है, उनकी परिक्रमा की जा सकती है, तो आप उसके साथ ही वो बढ़ता आकार स्पष्ट रूप से देख लेंगे। अब देखिए आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल दीवार से, बिल्कुल जो निर्माण है उससे सट चुकी है ये प्रतिमा, और दूसरी ओर भी अगर आप देखेंगे तो वही हाल है। एक पिलर को हटाना पड़ गया है यहाँ से। प्रति 20 वर्ष में, दो दशक में, 1 इंच नंदी जी की प्रतिमा बढ़ जाती है, और ये वैज्ञानिक रूप से इसका इसको कैलकुलेट किया गया है। अब क्या ये चट्टान जो है इसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है जिस वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि देखिए ना एक ये पिलर था उसे अब उठाकर यहाँ पर लगाना पड़ा है, यहाँ से काट कर उसे हटा दिया गया है इस हिस्से से। दूसरा ये पिलर देखिए, ये मेरे ठीक पीछे जो यहाँ पर पिलर है उसे भी नीचे की ओर से काटना पड़ गया है। पिलर का निर्माण ऐसे नहीं हुआ था, पिलर का निर्माण इस रूप में हुआ था कि लोग पिलर के भीतर से नंदी जी की परिक्रमा कर सके, पर अब ये संभव ही नहीं। आप किसी भी तरफ से जाना चाहो, आप पीछे का हिस्सा है उसे भी खोला गया है, क्योंकि ऊपर जो निर्माण था उसे तोड़कर आगे की ओर बढ़ाया गया है। न दाएं से जा सकते हैं आप, न बाएं की ओर से जा सकते हैं, केवल सामने और पीछे का जो हिस्सा जो तोड़कर दोबारा इसका विस्तार किया गया है, केवल वहां से आप आकर अब दर्शन कर सकते हैं। नंदी जी की प्रतिमा की परिक्रमा अब संभव ही नहीं है यहाँ। ओम नमः शिवाय। हर वर्ष, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन, हर घंटे, हर पल नंदी का आकार बढ़ रहा है। ये भक्त भी कहते हैं, ये पुजारी भी कहते हैं, ये मूर्ति का प्रत्यक्ष आकार भी कहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के मन में ऐसा है कि जो नंदी भगवान है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनकी मूर्ति का आकार बड़ा हो रहा है, बल्कि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं यहाँ पर मौजूद। यहाँ पिलर भी हटाना पड़ा है। या ओम नमः शिवाय। एक्चुअली हियर वन ऑफ द बिलीफ इज दैट हियर नंदी स्टैच्यू इज ग्रोइंग इट्स साइज इन फॉर एवरी 20 ईयर्स 1 inch in size. Okay. Here we can see, and it is experimentally proved that the stone itself was increasing in size. And we can say that this Nandi statue is growing in front of this Lord Shiva temple. 20 साल में एक एक इंच का आंकड़ा भले ही बेहद छोटा लगे, लेकिन जब ये एक एक इंच सदियों से जुड़ता जाए तो सोचिए कुल मिलाकर कितने विशालकाय ढांचे की बात हो रही है। मौजूदा समय में नंदी की ये प्रतिमा 5 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी है। श्रद्धालुओं के अनुसार करीब 100 साल पहले यहाँ पर परिक्रमा करने की जगह हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नंदी का आकार बढ़ा ये जगह कम होती गई। आज स्थिति यह है कि भक्त चाह के भी परिक्रमा नहीं कर सकते। Earlier people say that we can do pradakshinas. We had performed that pradakshinas to this Nandi, and now it was unable to do pradakshinas. Now we can say that the size is increasing day by day continuously. यानी पहले परिक्रमा कर सकते थे, अब अगर आप देखें तो यहाँ से रास्ता ही नहीं है जो आप परिक्रमा करने के लिए जा सकते हैं। वही पहला 100 साल का बाद छोटा था, जब शादी करने वाला उसको घूमेगा, अभी घूमने का ये टाइम आ गया तो घूमने का भी जगह नहीं। उस टाइम में एक पुल भी उठा हटा दिया बीच में, बराबर एक पुल बनाया, फिर उसको भी लपट गया जाके। लंबे समय तक मूर्ति में हो रहे बदलाव को लोगों का भ्रम ही समझा गया, लेकिन बीते कुछ वर्षों में पुरातत्व विभाग ने इसकी पड़ताल शुरू की। पिछले 15 सालों से इस मंदिर में ASI अपने प्रयोग कर रहा है ताकि इस रहस्य का पता लगाया जा सके कि क्या यहाँ कुछ अकल्पनीय हो रहा है।
नंदी के जी का साइज बढ़ने का तात्पर्य है कि जिस चट्टान से नंदी जी का निर्माण हुआ है उस चट्टान में, वो चट्टान किस चीज का बना हुआ है, बालुआ पत्थर है या ग्रेनाइट है या अन्य प्रकार के खनिजों से बना हुआ पत्थर है। नंदी जी के बढ़ते आकार का जवाब पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम भी तलाश रही है। पत्थरों के आकार में बदलाव हजारों सालों में कुछ मिलीमीटर के हिसाब से होते हैं, लेकिन यागंती मंदिर में नंदी जी की प्रतिमा में बदलाव आश्चर्यजनक पैमाने पर है। ये निश्चित रूप से पत्थर में बदलाव संभव है और होता है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जहाँ तक समय की बात है, ये बदलाव बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वहाँ का लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, जिस पत्थर से बना है उस पत्थर के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, उसके साथ ही साथ वहाँ पर की टाइपोलॉजी क्या है, किस तरह का टोपोग्राफी है और वहाँ पर वेजिटेशन किस तरह का, और वहाँ उस ज़मीन पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये आधारित होता है। तो इसलिए उसका समय किसी स्पेसिफिक केस में देख के कहा जाता है। और इस संदर्भ में ASI भी अपना परीक्षण कर रही है और उसने एक जांच दल बनाया जो हर 15 वर्ष में इस मूर्ति के साइज के बढ़ने का आकलन करेगा, जिससे ये पता चल सके कि ये कितने समय में कितना बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार हो सकता है कि नंदी का आकार बढ़ना केवल एक भ्रम हो, बल्कि जिस जमीन पर वो विराजे हैं वो जमीन धंस रही हो और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि आकार बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा सही है तो फिर मंदिर की ही बाकी प्रतिमाओं पर ये लागू क्यों नहीं होता? सवाल एक और उठता है कि क्या कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनका आकार समय के साथ बढ़ता है? अगर हाँ तो कौन से पत्थर होते हैं? अब निर्भर करता है कि बहुत सारे जो उसमें पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, ये खनिज, कुछ खनिज गर्मी में फैलते हैं, कुछ खनिज सर्दियों में फैलते हैं, कुछ खनिज जो है सर्दियों में संकुचित होते हैं, कुछ खनिज सर्दियों में बढ़ते हैं। अब निर्भर करता है कि चट्टान में निहित जो खनिज है उसका स्वभाव क्या है। अब इस तरह के देखिए, जो पत्थर है, पत्थर बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है। जिस पत्थर के अंदर भी खनिज और लोह तत्वों की अधिकता होगी और वहाँ की टोपोग्राफी और लैंड स्ट्रक्चर उसको हेल्प करेगा, तो वो पत्थर भर सकते हैं। उन पत्थरों का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता, किसी भी पत्थर में ये गुण पाया जा सकता है वैज्ञानिक दृष्टि से। हम अपनी पड़ताल करते हुए मंदिर के उन हिस्सों की ओर बढ़े जहां से यागंती नंदी का विश्वास जुड़ा है।